म्यूचुअल फंड टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जिनको फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है, अपनी रिसर्च से कंपनीज फाइंड करता है और अपने हिसाब से उनमें पैसे इन्वेस्ट करता है। जबकि पैसिव म्यूचुअल फंड्स वो फंड होते हैं जिनको फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज नहीं करता है, बल्कि वो किसी इंडेक्स को फॉलो कर रहा होता है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इस फंड में फंड मैनेजर अपने हिसाब से पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है, बल्कि वो निफ्टी 50 इंडेक्स में जो 50 कंपनीज है उन कंपनीज में उनके वेटेज के हिसाब से ही पैसे इन्वेस्ट करता है। हर एक म्यूचुअल फंड का ये टारगेट होता है कि किसी तरह से वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स को बीट करे, यानी निफ्टी 50 और सेंसेक्स जितना रिटर्न देते हैं उससे ज्यादा रिटर्न्स वो म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करें। लेकिन एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 80% म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। इसलिए आजकल हमारे देश में भी इंडेक्स फंड का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो आप नो टेंशन हो जाते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड इंडेक्स निफ्टी 50 सेंसेक्स को बीट कर पाएगा या नहीं, क्योंकि आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको निफ्टी 50 जितना रिटर्न तो मिलेगा ही, क्योंकि इंडेक्स फंड के थ्रू निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जो कंपनीज है जितने वेटेज के साथ है उनमें उतना ही इन्वेस्ट किया जाता है। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, यानी इसके लिए आपको काफी कम चार्ज देना होता है। एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो जहां 1-2% तक का होता है, तो वहीं इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.5% से भी कम होता है। सो अगर आपको नो टेंशन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकें या फिर हर महीने SIP कर सकें, तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक ग्रेट चॉइस है। सो इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट और SIP करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक एंजल वन अकाउंट ओपन कर लेना है, जो कि आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। एंजल वन अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने एक वीडियो में दिखा दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एंजल वन अकाउंट ओपन करके आपको एंजल स्पार्क एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। इसमें आप म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ से आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर हम कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड सर्च कर लेंगे, जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ HDFC सेंसेक्स म्यूचुअल फंड। इस तरह से आपके सामने HDFC इंडेक्स फंड आ जाएगा। इसमें आप पिछले 3 सालों का CAGR रिटर्न देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप चार्ट देख सकते हैं, पिछले 3 सालों का, 5 सालों का, ऑल टाइम का। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स ने पिछले 3 सालों में कितना CAGR रिटर्न दिया है और इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। ये ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है उन्हीं 30 कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। नीचे आप देख सकते हैं मिनिमम आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप 100 रुपीज की SIP भी कर सकते हैं और 100 रुपीज वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी आप जब चाहे इस म्यूचुअल फंड से अपने पैसे निकाल सकते हैं। नीचे आपको एक कैलकुलेटर मिल जाएगा, इसमें आप अपने रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी अगर आप SIP करते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया है SIP के मैं 5,000 रुपए हर महीने इसमें इन्वेस्ट करूंगा। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, तो नीचे आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, उस पर आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट आपका कितना हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं अगले 10 साल के लिए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6,00,000 रुपए, उस पर आपका रिटर्न हो जाएगा 8,21,000 रुपए, तो आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 14,21,000 रुपए। इसी तरह से इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हर महीने इन्वेस्ट नहीं करना है बल्कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लाख यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे टाइम ड्यूरेशन चूज कर लेंगे, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट
करना है। मान लीजिए 5 लाख रुपए मैं अगले 10 सालों के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप मैच्योरिटी अमाउंट देख सकते हैं। ये कंफर्म रिटर्न नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों की परफॉर्मेंस के बेस पर आपको एक आइडिया दिया गया है कि अगर पिछले 10 साल में आप ये पैसे इन्वेस्ट करते तो आज आपके ये पैसे इतने हो जाते। तो आने वाले 10 सालों में हो सकता है आपको इससे ज्यादा रिटर्न्स मिल जाए और इससे कम भी मिल सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस म्यूचुअल फंड की और भी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि इस म्यूचुअल फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.2% है, जो कि काफी कम है। यानी अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ 0.2% चार्ज ही देना होगा। नीचे आप एग्जिट लोड देख सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 3 दिन से पहले ही अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.25% का चार्ज लगेगा, और अगर आप 3 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। नीचे आप फंड मैनेजर का नेम देख सकते हैं, यानी इस फंड का मैनेजर कौन है। नीचे आप फंड होल्डिंग्स देख सकते हैं, यानी इस म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनीज में कितना परसेंट इन्वेस्ट किया हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी कंपनीज आ जाएगी। ये वही कंपनीज है जो सेंसेक्स में है, तो सेंसेक्स हर साल जितना रिटर्न देगा उतना ही रिटर्न आपको इस म्यूचुअल फंड में मिलेगा। इन्वेस्ट करने के लिए आप इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला है SIP और दूसरा है वन टाइम, यानी इसमें आप वन टाइम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप वन टाइम चूज करेंगे, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे कितना आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर मैं 1,000 डाल दूंगा। वन टाइम के थ्रू इस म्यूचुअल फंड में आप जब चाहे जितने चाहे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट नहीं होंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी आपके पास 1,000 रुपए है तो आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, 20 दिन के बाद आपके पास 1,000 रुपए और आ जाते हैं तो आप यहाँ पर 1,000 रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले महीने आपके पास 5,000 रुपए आ जाते हैं तो आप एक साथ 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वन टाइम के थ्रू आप जब चाहे जितने चाहे पैसे इससे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाला 1,000 रुपीज, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर आपने एंजल वन के साथ एक से ज्यादा बैंक अकाउंट सेट किए हुए हैं तो आप यहाँ पर बैंक चूज कर लेंगे किससे आपको पेमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ये अकाउंट चूज कर लेता हूँ, प्रोसीड। अमाउंट आप किसी भी UPI एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं नेट बैंकिंग चूज कर लेता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आप अपना यूजर ID पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा ऑर्डर भी यहाँ पर प्लेस हो रहा है, और ये देखिए हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 1 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको अलॉट होने में। किस डेट पर आपको ये अलॉट होंगे वो डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप नीचे ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपने सभी ऑर्डर्स यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि हमारा ये एक ऑर्डर प्रोग्रेस में है तो इस पर क्लिक करके आप इसका स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये आपको इन्वेस्टमेंट में शो होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी करंट वैल्यू क्या हो गई है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो म्यूचुअल फंड्स भी आपके सामने यहीं पर आ जाएंगे। यहीं से आप उस म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके जब चाहे और भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं SIP की, यानी आपको हर महीने खुद से इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट होते रहे और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहे। तो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड सर्च कर लेंगे। जैसे कि हमें HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान में एक SIP स्टार्ट करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। आपके सामने वही सब डिटेल्स आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी SIP करने पर मैच्योरिटी पर आपको कितना अमाउंट मिल सकता है। नीचे आप इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें आप SIP को सिलेक्ट रखेंगे। नीचे आप अमाउंट डालेंगे कितना अमाउंट आप हर महीने इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाद में आप अपनी SIP को कैंसिल भी कर सकते हैं और इसका अमाउंट आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे हर महीने इसमें 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर मैं 1,000 डाल दूंगा। हर महीने की किस डेट को आपके अकाउंट से ये बैलेंस कट होना चाहिए वो डेट आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। जो भी डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से ये अमाउंट कट हो जाएगा और आपके इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। SIP सेट करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप बैंक चूज कर लेंगे किस बैंक में आप ये SIP सेट करना चाहते हैं। ई मैंडेट ऑथराइज करने के लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग चूज करेंगे। मैक्सिमम आप 1,00,000 रुपए तक का मैंडेट सेट कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली 1,00,000 रुपए तक आपके बैंक अकाउंट से कट हो सकते हैं। चलिए प्रोसीड करेंगे। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप डेबिट कार्ड चूज कर सकते हैं। मेरे पास नेट बैंकिंग है तो मैं नेट बैंकिंग चूज कर लूंगा।
टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसमें आप कंसेंट देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना नेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड डालकर ऑथराइज करेंगे एंड बूम, आप देख सकते हैं ई मैंडेट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमारे इसी बैंक अकाउंट से इस डेट को 1000 रुपए कट होकर इस म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे। इसके बाद नीचे आप कंप्लीट फर्स्ट SIP पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट चूज करके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फर्स्ट पेमेंट यहाँ पर कर देना है। जैसे कि मैंने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू 1000 रुपए का पेमेंट कर दिया है तो ये हमारी SIP का फर्स्ट अमाउंट ऐड हो चुका है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली ये अमाउंट कट होता रहेगा और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। अपनी SIP देखने के लिए आप ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। जो ऑर्डर्स आपने प्लेस किए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। SIP देखने के लिए आप SIP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक SIP एक्टिवेट की हुई है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1000 रुपए की। SIP को कैसे स्टॉप किया जाता है, कैसे म्यूचुअल फंड को सेल करके बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ किए जाते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सो इस तरह से आप इंडेक्स फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।